हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कुछ बेस्ट स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस बैंकिंग में, एसएससी में और दूसरे सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से समझिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं। द सन हैविंग बीन रिजन द फॉग डिसअपीयर। देखिए, हैविंग बीन रिजन और हैव रिजन, यानी हैविंग के बाद जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, और इसका हम यूज़ करते हैं जैसे एक काम फिनिश हो गया उसके बाद दूसरा काम शुरू हो रहा है, तो उसको दिखाने के लिए हम हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि सन के रिजन होने के बाद, यानी सन के उगने के बाद, द फॉग डिसअपीयर, जो फॉग था, जो कोहरा था, वो चला गया वहां से। सन के आने के बाद या सन के उगने के बाद कोहरा वहां से डिसअपीयर हो गया, और ये बात सही है, लॉजिकल है। अब देखिए, हैविंग प्लस V3 ये पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब होती है। ठीक है, और वर्ब को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में और पैसिव वॉइस के फॉर्म में। अब यहां पर देखिए, हैविंग के साथ जब आप बीन लगा देंगे तो ये बन जाता है पैसिव वॉइस। हैविंग रीजन जो है ये एक्टिव वॉइस है, और हैविंग बीन रीजन ये पैसिव वॉइस है। अब यहां पर देखिए, हम पैसिव वॉइस का यूज कब करते हैं? हम पैसिव वॉइस का यूज तब करते हैं जब सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम होता है। सब्जेक्ट खुद कुछ काम नहीं करता, सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। अब देखिए, क्या यहां पर सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है? क्या सन को हम लोग उगाते हैं या सन अपने आप उगता है? डेफिनेटली सन अपने आप उगता है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे सेंटेंस में हम पैसिव वॉइस को यूज नहीं करते, क्योंकि सन खुद काम कर रहा है, सन के ऊपर काम नहीं होगा, सन को उगाया नहीं जाएगा, सन खुद उगेगा। तो इसलिए हैविंग रिजन हम बोलेंगे, हैविंग बीन रिजन नहीं बोलेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये सारे जो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर इस बुक से लिए हैं, और सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ये हिंदी में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो क्लास को, इंग्लिश वर्जन भी मैं इसका रिकॉर्ड करूंगा और इस चैनल पर आप देख पाएंगे। देखिए, इंग्लिश सेक्शन को यदि आप बहुत तेजी से इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये 2,500 वर्ड्स की, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स की ये ई बुक आप जरूर लें। यदि आपने अभी तक नहीं ली है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर डिस्काउंट कोड डाल के 149 रुपीज़ में इसको आप ले सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, और डेफिनेटली ये हाईली यूजफुल बुक है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये इसमें भी एक कॉन्सेप्ट हैविंग डिजर्टेड बाय द हस्बैंड शी कमिटेड सुसाइड। तो इसमें भी हमने हैविंग प्लस V3 का प्रयोग किया है, मतलब एक काम होने के बाद दूसरा काम शुरू हुआ है। मतलब डिजर्टेड का मतलब है अकेला छोड़ देना। ठीक है, जब उसको, उसके हस्बैंड ने उसको अकेला छोड़ दिया, तो उसके बाद उसने क्या किया? सुसाइड उसने कमिट कर ली। हैविंग डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड शी कमिटेड सुसाइड। सुसाइड के साथ और मिस्टेक के साथ हम कमिटेड या मेड जैसे वर्ड्स लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम एक्टिव वॉइस का यूज कर रहे हैं, हैविंग डिजर्टेड। अब देखिए यहां पर उसको उसके हस्बैंड के द्वारा छोड़ दिया गया। शी जो है यहां पर, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है शी, इसके ऊपर यहां पर कोई काम हो रहा है। शी काम नहीं कर रहा है यहां पर, शी के ऊपर काम हो रहा है। शी के ऊपर क्या काम हो रहा है कि उसको उसके हस्बैंड के द्वारा छोड़ दिया गया, मतलब उसके ऊपर कुछ एक्शन हुआ है। ठीक है, तो चूंकि सब्जेक्ट कुछ काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर हस्बैंड के द्वारा काम हो रहा है। हस्बैंड के द्वारा क्या काम हो रहा है कि उसको अकेला असहाय छोड़ दिया गया, तभी तो उसने सुसाइड किया। तो इसलिए इस पूरे सेंटेंस में हम हैविंग डिजर्टेड ना लिखते हुए हम लिखेंगे हैविंग बीन डिजर्टेड। यहां पर पैसिव वॉइस का यूज होगा, क्योंकि यहां पर शी जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम हो रहा है, शी कुछ काम नहीं कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हैविंग बीन डिजर्टेड यहां पर हम बोलेंगे, और इसमें ए इसमें आपका सही आंसर होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। यहां पर एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है, और ऐसे क्वेश्चंस इस समय बहुत फ्रिक्वेंटली एसएससी में, बैंकिंग में, बैंक पीओ में, बैंक क्लर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो क्लास को पूरा आप एंड तक देखिए, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉब्लम दैट आर कंट्री हैज एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ आर सो कॉल्ड सेवियर्स। मतलब हमारे जो सो कॉल्ड सेवियर्स हैं, जिनको हम लीडर्स बोलते हैं, जिनको हम देश रक्षक बोलते हैं, वो स्वार्थी हो गए हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर। ठीक है, अब यहां पर देखिए, द प्रॉब्लम दैट अवर कंट्री हैज
हैज़ एंड विल फेस। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फेस वर्ड है ये मेन वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब ये फेस जो मेन वर्ब है, इसके इसके लिए दो हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड विल। अब देखिए, विल के साथ तो फेस जा सकता है क्योंकि विल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, विल गो, विल कम, विल टीच। लेकिन क्या हैज़ के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं? नहीं, हैज़ के साथ हम V3 लगाते हैं। तो इसलिए फेस जो वर्ड है, फेस जो मेन वर्ब है, उसको हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि हैज के साथ V3 आएगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें फेस्ड वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग से यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और बी इसमें आपका सही आंसर होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखिए, नेवर बिफोर द स्टूडेंट ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड एज टुडे व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर डोमिनेंट। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि आज से पहले कभी भी हमारे देश के स्टूडेंट इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहे हैं जितने कि आज हैं। और ये क्यों है फ्रस्ट्रेटेड? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो डोमिनेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट है, डोमिनेंट है। अब देखिए, जब कोई भी सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव वर्ड या सेमी निगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसमें इन्वर्जन का रूल अप्लाई हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे पहले नेवर बिफोर या कोई भी निगेटिव वर्ड आएगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे नेवर बिफोर हैव आई डन इट, नेवर बिफोर आई हैव डन इट नहीं बोलूँगा, नेवर बिफोर हैव आई डन इट बोलूँगा। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, पहले तो सब्जेक्ट ही इसमें लगा दिया है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब हैव है। तो हैव जो है ये उठ के यहाँ पर आएगी, यहाँ पर, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सेंटेंस ये निगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका ए इसका सही आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे हम देखते हैं। कंप्लेन टू द पुलिस दैट हिज ब्रीफकेस हैड बीन स्टोलन। हैड बीन का प्रयोग यहाँ पर सही हुआ है क्योंकि कंप्लेंट उसने बाद में की है, ठीक है। ये V2 का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, इससे पहले कोई काम खत्म हो चुका था। कंप्लेंट हम बाद में करते हैं, पहले घटना होगी उसके बाद हम कंप्लेंट करेंगे। यानी हैड बीन का प्रयोग यहाँ पर सही हुआ है। स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म सही आई है यहाँ पर। लेकिन इसके बाद हमने क्या बोला है? एंड दैट ही वॉज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी। क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है? ही वॉज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी। उसका ब्रीफ केस चुरा लिया गया और उसको छोड़ दिया गया बिना किसी पैसे के, वो छूट गया बिना किसी पैसे के। तो लिफ्टेड का मतलब तो उठाना होता है, यहाँ पर हम बोलेंगे लेफ्ट, ही वॉज लेफ्ट, छोड़ दिया गया। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। और ये पार्ट जो है ये बिलोंग करता है सी को, तो इसलिए सी इसमें आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। द PM said that his party wouldn't repeat the mistake done by the previous government. PM ने बोला कि उसकी पार्टी ऐसी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेगी जिस मिस्टेक्स को प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया है। अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मिस्टेक के साथ हम या तो मेक लगाते हैं या कमिटेड लगाते हैं। कमिटेड नॉर्मली हम सुसाइड के साथ लगाते हैं, कमिटेड सुसाइड, ठीक है। मिस्टेक के साथ हम मेक लगा सकते हैं या हम कमिटेड भी लगा सकते हैं। ब्लंडर के साथ भी हम कमिटेड लगाते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट के साथ हम मेक लगाते हैं, मेक अरेंजमेंट, ठीक है। मेक प्रोग्रेस, मेक अरेंजमेंट। तो कुछ ये वर्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ही सही माने जाते हैं। तो मिस्टेक के साथ या तो आप मेक लगा सकते हैं डन के स्थान पर, या आप कमिटेड लगा सकते हैं। सी यहाँ पर सही आंसर आपका होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आई होप दैट द कंट्रीज कंडीशन मे गो फ्रॉम बैड टू वर्स। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को यदि आप देखें तो इसमें 99% स्टूडेंट जो है चकरा जाएंगे। और बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं SSC CGL मेंस में, ठीक है। यहाँ पर इन डेप्थ नॉलेज एग्जामिनर चेक करता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कंट्री कंडीशन, कंट्री की जो कंडीशन है ये मे गो फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब बैड से भी, मतलब बद से भी बदतर हो जाएगी। कंट्री की कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। तो क्या ये एक प्लेजरेबल थॉट है? क्या ये एक अच्छी बात कर रहे हैं हम? नहीं, ये एक नेगेटिव थॉट है। तो जो नेगेटिव थॉट को हम, नेगेटिव थॉट की हम उम्मीद नहीं करते हैं, उम्मीद हम करते हैं किसी अच्छे थॉट की, ठीक है। तो इसलिए आई होप कहना यहाँ पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या गलत होगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई फियर, क्योंकि फियर की ही बात हो रही है, क्योंकि बद से बदतर होने की बात हो रही है।
आई होप कहना यहाँ पर गलत होगा, यानी इसमें किसी भी तरीके की ग्रामेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड रिलेटेड या कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ये है रियल क्वेश्चंस। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए ग्रामर जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑप्टेन, गलत है, ऑप्टेन के स्थान पर ऑप्टेन ही होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो पैरेलल स्ट्रक्चर है वो गलत हो रहा है। हेल्पिंग रीडिंग ऑप्टेनिंग, क्योंकि सारी जो वर्ब्स हैं वो एक ही सीक्वेंस में, एक ही स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। पहले तो दे दिया है यहाँ पर हेल्पिंग, फिर दे दिया है रीडिंग, फिर दे दिया है ऑप्टेन, फिर इसमें ऑप्टेनिंग होना चाहिए, ठीक है। मीटिंग देन रीडिंग देन ऑप्टेनिंग, तब ये सेंटेंस पैरेलल या सही स्ट्रक्चर इसका बनेगा, क्योंकि जब जब वर्ब्स, कई सारी वर्ब्स एक सीक्वेंस में जुड़ती हैं तो सेम फॉर्म में उनका होना जरूरी है, तो यहाँ पर हम ऑप्टेनिंग बोलेंगे, ठीक है। सी इसमें सही आंसर आपका होगा। चलिए आगे देखते हैं। आई नो आई विल बी कंपेल्ड टू लीव दिस हाउस दिस वीक, ये देखिए सेंटेंस को यदि आप देखें तो बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन बहुत सटल इसमें मिस्टेक है। देखिए जब हम आई के साथ इस तरह के वर्ड जैसे कंपेल हुआ, ऑब्लाइज्ड हुआ, ग्रेटफुल हुआ, इस तरह के वर्ड जब हम यूज करते हैं तो आई के साथ हम लगाते हैं शैल, ठीक है। कंपेल्ड, ग्रेटफुल और ऑब्लाइज्ड, इस तरह के शैल हम लगाते हैं, तो यहाँ पर ए जो है ये मिस्टेक होगी, क्योंकि ये एक एक्चुअली लीगल लैंग्वेज होती है। कंपेल्ड हुआ, ऑब्लाइज्ड हुआ, इनके साथ हम शैल लगाते हैं। कभी भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे तो शैल लगा हुआ आप देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। वंस वी वर ड्वेल्ट बाय द सी साइड बट नाउ वी हैव सेटल्ड आवर सेल्फ इन मुंबई, मतलब कभी हम लोग समुद्र के किनारे रहा करते थे लेकिन अब हम सेटल हो गए हैं मुंबई में। तो हम सेटल्ड हो गए हैं या हमें सेटल्ड कर दिया गया है, हमें हम सेटल्ड हो गए हैं, हमें किया नहीं है किसी ने, तो इसलिए वर्ब के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस इसमें नहीं आएगा। हम सिंपल इसमें बोलेंगे वंस वी ड्वेल्ट, वंस वी ड्वेल्ट, यानी ड्वेल्ट जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। हम कभी हम सी साइड पर रहते थे, इस तरह से हम बोलेंगे हमें हमें किसी के द्वारा बसाया गया, ऐसे यहाँ पर नहीं सेंस निकल रहा है, तो इसलिए बर यहाँ पर यूजलेस है। ए इसमें सही आंसर आपका होगा। अब देखिए, ही डज नथिंग बट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक फ्रेज होता है नथिंग बट, और नथिंग बट में बट जो होता है ये इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन के बाद हम यहाँ पर टू का यूज़ नहीं करेंगे। टू का यूज़ तब हम करते हैं जब हम दो वर्ब को आपस में जोड़ते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू गो, ठीक है। लेकिन प्रपोजिशन के बाद हम वर्ब को डायरेक्ट लिख देंगे, इसमें टू का कोई काम नहीं है। नथिंग बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं विदाउट टू, ध्यान रखिए इसको, ठीक है। तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। आगे हम देखते हैं, द वर्कर्स फेल नो फ्यूअर देन, फ्यूअर देन का प्रयोग तो सही है यहाँ पर, एक होता है लिटिल जो कि क्वांटिटी के लिए आता है, फ्यूअर नंबर के लिए आता है, तो फ्यूअर का प्रयोग तो सही है, लेकिन फेल का प्रयोग गलत है इसमें, ठीक है। फॉल का मतलब होता है गिरना, जिसका सेकेंड फॉर्म होता है फेल, और एक फेल फर्स्ट फॉर्म भी होती है जिसका मतलब होता है गिराना, तो इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है फेल्ड, फेल्ड यहाँ पर हम बोलेंगे, क्योंकि वर्कर्स ने पेड़ों को गिराया, पेड़ अपने आप नहीं गिरे, वर्कर्स ने पेड़ों को गिराया, इसलिए फेल्ड हम यहाँ पर बोलेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। फॉल का मतलब होता है गिरना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फेल, और फेल फर्स्ट फॉर्म भी होती है जिसका मतलब होता है गिराना, लेकिन चूंकि पास्ट में गिराया इसलिए फेल्ड हम यहाँ पर बोलेंगे, और ए सही आंसर होगा। आगे हम देखते हैं, व्हेन शी एंटर्ड द रूम शी फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग पीसफुली इन द फैन, नहीं, एंड के साथ जब दो वर्ब जुड़ेंगी तो सेम फॉर्म में आएंगी वो, एंड के साथ जब दो वर्ब जुड़ेंगी तो सेम फॉर्म में आएंगी। एंड से पहले यहाँ पर स्लीपिंग है तो एंड के बाद यहाँ पर मूविंग होगा, यहाँ पर सी इसमें सही आंसर होगा। आगे हम देखते हैं, द एमिनेंट जर्नलिस्ट एक्सप्रेस्ड हिज हेल्पलेसनेस इन मेकिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड
मेकिंग द सेमिनार का कोई सेंस नहीं बन रहा है. जर्नलिस्ट सेमिनार को मेक नहीं करते हैं, वो सेमिनार को ज्वाइन करते हैं. तो मेकिंग गलत है. इन प्लेस ऑफ मेकिंग यू कैन राइट ज्वाइनिंग द सेमिनार जो कि हेल्ड होगा यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस में. आगे देखते हैं, आर लीडर शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटी. हाँ देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे मेक हुआ, हेल्प हुआ, लेट हुआ. आई लेट हिम गो, आई लेट हिम टू गो नहीं बोलते, यानी लेट के बाद इस टू का प्रयोग गलत है. सी इसमें सही आंसर होगा. तो इस तरीके से इसमें मैंने 15 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं. आई होप आपको ये पसंद आए होंगे. इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं अपलोड करूंगा और इन वीडियो क्लासेस को मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो क्लासेस हैं सभी वीडियो क्लासेस को आप देखिए. डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी बैंकिंग में और SSC में. रियल कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा. और इस ई बुक को आप ज़रूर खरीद लें. अभी तक आपने नहीं लिया है तो इस ई बुक को ज़रूर ले लें. इससे इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव करने में फास्ट तरीके से बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी. इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही. अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. थैंक यू.